गढ़चिरौली से जिले के चंद्रपुर शहर में गांजा लेकर आने वाले अंतर्राज्य गांजा तस्करों को स्थानीय गुने शाखा ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। आइए डालते हैं एक नजर। आरोपी के पास से 51 पैकेट में 103 किलो 839 ग्राम वजन का गांजा मिला। इसकी कीमत तकरीबन 31,15,170 रुपए बताई जा रही है। दो गाड़ियां उसकी कीमत 10 लाख रुपए, ऐसा कुल मिलाकर 41,15,170 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी के नाम पर 50 वर्षीय शिक्षक श्रीनिवास नरसैया मचेडी, 29 वर्षीय शंकर बलैया घंटा, दोनों भी मस्जिदवाड़ा सुभाष नगर मथनी करीमनगर तेलंगाना के रहने वाले हैं। स्थानीय गुने शाखा चंद्रपुर के पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहेब खाड़े को गुप्त सूचना मिली थी कि गढ़चिरौली जिले से अंतर्राज्य गांजा तस्कर दो गाड़ियों से दूसरे राज्य से गांजा लेकर चंद्रपुर शहर की ओर आ रहे हैं। इस पक्की खबर के बाद जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद साळवे, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी को जानकारी दी गई। उसके अनुसार पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहेब खाड़े के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक संदीप कापड़े, सचिन गदादे इनके नेतृत्व में दो अलग अलग टीम तैयार की गई। आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। चंद्रपुर रास्ते पर चीचपल्ली गांव के पास शेरे पंजाब ढाबे के पास नजर रखी गई। थोड़ी देर बाद ही वहां होंडा सिटी मारुति स्विफ्ट गाड़ी ढाबे के पास पहुंची। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को नीचे उतारकर गाड़ियों की जांच की गई। उसमें दोनों गाड़ियों में 51 पॉकेट में 103 किलो 839 ग्राम वजन का गांजा मिला, जिसकी कीमत 31,15,170 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कलम 8(20)(ब) एनडीपीएस एक्ट के अनुसार पुलिस थाना रामनगर में अपराध दर्ज किए। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहेब खाड़े, पुलिस उपनिरीक्षक संदीप कापड़े, सचिन गदादे, राजेंद्र खनके, रमेश तोकला, नितिन साळवे, प्रकाश बल्की, संजय अतकुलवार, सुभाष गोहकार, सुरेंद्र महतो, गणेश बोयर, मिलिंद जांबुड़े, गणेश मोरले, सतीश बगमारे, गोपीनाथ नरोटे, रविंद्र पंद्रे, प्रांजल झिल्पे, शेखर आसुटकर ने की है। आम्हाला एलसीबीला एक खूप मोठी गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिळाली होती की पर राज्यामधून गडचिरोली मार्गे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये दोन चारचाकी वाहनामधून मोठ्या प्रमाणावर गांजा येणार आहे। सदरची माहिती आम्ही माननीय एस पी सर, माननीय ॲडिशनल सरांना दिली। त्यानुसार माननीय वरिष्ठांच्या आदेशाने आम्ही एनसीबीचे दोन अधिकारी PSI कापडे आणि PSI गदादे यांच्या नेतृत्वात आणि आम्ही स्वतः असं आम्ही एक दोन मोठे कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार केले आणि गडचिरोलीपासून चंद्रपूरपर्यंत येणाऱ्या रोडवरती आम्ही त्या पथकाने व्यवस्थित पाळत ठेवली। आणि ज्या आम्हाला इन्फॉर्मेशनमधून जे काय आम्हाला खबर मिळाली होती त्या इन्फॉर्मेशननुसार ज्या गाड्याचे वर्णन दिले होते त्या वर्णनाच्या गाड्या आम्हाला येताना मिळून आल्या। अर्ध्या किलोमीटरच्या अंतरावरती दोन गाड्या येत होत्या, त्यांचं पासिंग आंध्र प्रदेशचं आहे आणि त्याच्यानुसार आम्ही त्या गाड्या अडवल्या आणि गाड्याची पाहणी केली। असं त्याच्यामध्ये दोन्ही गाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गांजा असल्याचं दिसून आलं आणि कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी आम्ही सदर ठिकाणी पंचांना बोलावून गाड्यांची पाहणी केली, गाड्यातून माल उतरवला। त्या ठिकाणी 125 किलो गांजा आणि दोन्ही गाड्या आणि दोन आरोपी असे आम्ही ताब्यात घेतले आणि सदरच्या कारवाई दरम्यान दोन आरोपी पळून जाण्यामध्ये जंगलात यशस्वी झाले आहेत, त्यांचाही आम्ही शोध घेत आहोत आणि सदरबाबत आम्ही रामनगर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून पुढची कायदेशीर प्रक्रिया आम्ही करत आहोत। BC न्यूज चंद्रपूर नागपूर।